हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी सी स्नैक्स की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बचे हुए चावल और दाल से। तो चलिए बिना देरी किए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन रखेंगे गैस पे, इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और हम डाल देंगे इसमें हमारे दाल एक कटोरी के लगभग जो बचे हुए थे। जब दाल में अच्छा सा बॉईल आ जाए तब हम डाल देंगे एक कटोरी चावल। अब हाई फ्लेम पे हमें इन्हें अच्छे से सुखाना है। सारा दाल रिड्यूस होके चावल में मिल जाए तब तक हमें इसे पकाना है। फ्लेम को हाई रखेंगे और 3 से 4 मिनट में सारा दाल रिड्यूस हो जाएगा और चावल में मिल जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा दाल और चावल अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसे हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरे बर्तन पे। और अब हम इसे हाथ से थोड़ा मसल लेंगे। अच्छे से मसलने के बाद अब हम डालेंगे इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो आधा कटोरी के लगभग बॉइल्ड आलू, ये 2 आलू होंगे जिसे हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब हम डालेंगे 1 ग्रेट किया हुआ गाजर, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़े से फ्रोजन कॉर्न, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी डालेंगे हरी धनिया, 1/2 चम्मच के लगभग चाट मसाला और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। ध्यान रखें कि दाल में भी नमक था तो नमक यहाँ पे ध्यान से डालें। अब मिलाएंगे चावल का आटा। अभी फिलहाल मैंने 3 टेबलस्पून डाला है और बाद में 2 टेबलस्पून मैंने और डाला था, तो टोटल 5 टेबलस्पून के लगभग चावल का आटा इसमें लगा है। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप जितनी क्वांटिटी में चावल या दाल या सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहे उसी के अकॉर्डिंग आप चावल का आटा भी मिला लें। तब सारा मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तब इसके छोटे छोटे नींबू के साइज का बॉल लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा मोजरेला चीज डालेंगे और इसे इस तरह से बंद करके रोल कर देंगे और टिक्कियों का शेप दे देंगे। आप बिना चीज का भी इसे बना सकते हैं, वो भी काफी मजेदार लगती है, बट चीज डाल देने से बच्चे काफी पसंद से खाते हैं। टिक्कियां बनाते समय आप हाथ को गीला जरूर कर लें, वरना ये हाथ में चिपकने लगेंगी। तो इसी तरह से हम सारे टिक्कियां तैयार कर लेंगे, बीच में चीज डालेंगे, इसे बंद करके रोल करके और टिक्कियों का शेप दे देंगे। इधर हमारा सारा टिक्कियां बनके तैयार है। तो अब हम इन्हें गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम इन्हें सेक लेंगे पलट पलट कर दोनों तरफ से। ये खाने में बहुत ही मजेदार और टेस्टी लगती है, ऊपर से क्रिस्पी करारी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं
दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। आप चाहे तो टिक्कियों को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल में इन टिक्कियों को डिप करें और फिर इन्हें शैलो फ्राई करें। दोनों ही तरीकों से आप इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो इन टिक्कियों को मैंने कॉर्नफ्लोर के घोल में डाल के फिर फ्राई किया था। इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छा कलर आ जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे और फिर निकाल देंगे। तैयार है हमारा बहुत ही मजेदार क्रिस्पी स्नैक्स, जिसे आप हरी चटनी या सॉस के साथ खाएं। होप आपको ये पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।